मी घातपात घडवणार असल्याच्या माध्यमांमधील बातम्यामुळे मला धक्का बसल्याचं सादिया शेख हिने पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. जम्मू काश्मीरमध्ये पुण्यातील युवती बॉम्बस्फोट घडवण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी माध्यमांमध्ये आली. ही बातमी वाचून माझ्या कुटुंबियांना धक्का बसला आणि मी शिक्षणासाठी जम्मू काश्मीरमध्ये गेले आहे. माझा भूतकाळाचा संबंध वर्तमान काळाशी जोडून ही बातमी देण्यात आल्याचं सादी यांनी स्पष्ट केलंय. जो भी है अभी इस वक्त जो हुआ लाइक विद इन द पास्ट फ्यू डेज वो मेरे पास्ट का इफेक्ट मेरे फ्यूचर पे और मेरे प्रेजेंट पे था. तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लुक बैक टू माई पास्ट. एंड अभी का जो फ्यूचर और प्रेजेंट है हम उसकी बात करते हैं. 18 साल की लड़की है सादिया अनवर नाम की एंड शी इज़ फ्रॉम पुणे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी इज़ गोइंग टू कैरी आउट अ सुसाइड अटैक नियर द परेड लाइक यू नो दैट टेक्स प्लेस ऑन 26th ऑफ जैन एवरी ईयर इन श्रीनगर. सो आफ्टर आई रेड दिस न्यूज़ आई वॉज शॉक्ड कि ये कहाँ से आई न्यूज़ ऐसी, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और पता नहीं ये कहाँ से सर्कुलेट हुई ये चीज़. आई कॉल माई मॉम, घर पे मैंने कॉल किया और पूछा कि ये क्या मसला है. तो इन्होंने बताया मुझे घर से कि पुलिस जो है लोकल पुलिस वो आई है घर पर और इन्हें घर पर आकर गए वो. एंड जो पुणे कमिश्नर है उनका ये कहना है कि वीडियो कॉल पे बात करो हमसे बिफोर 26th या फिर कम टू पुणे सो दैट ये बात पता चले कि 26 को आप जो है कश्मीर में नहीं होंगी और ऐसा कोई चीज़ होने वाली नहीं है. 3 वर्षापूर्वी समाजामध्ये सक्रिय असणाऱ्या काही अपप्रवृत्तींच्या संपर्कात आले होते. या प्रकरणातनं मला राज्य दहशतवादी विरोधी पथकाने मुस्लिम समाजातील मौलवींच्या मदतीने बाहेर काढण्यास मदत केली. त्यानंतर मी शिक्षणासाठी जम्मू काश्मीरना गेल्याचं सादी यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. उन्होंने मुझे मेरे घर से मेरे हॉस्टेल से अरेस्ट नहीं किया है. आई माय सेल्फ वॉक टुवर्ड्स देम. तो उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने पूछे एंड जो भी एजेंसीज थी दे केम टू कश्मीर टू इन्वेस्टिगेट द केस. एंड उसके बाद में यहाँ किसी ने अब तक फिलहाल कॉन्टैक्ट किया नहीं है. 2015 व्हाट हैपेंड इज दैट आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएसआई आइडियोलॉजी एंड आई वॉज जस्ट इन ऑनलाइन कॉन्टैक्ट विद सम पीपल इन सम ग्रुप्स एंड बेस्ड ऑन दैट I was too much active on Facebook, so that's why ATS came to me. They questioned me about the contacts and everything, and after that they left me. They arranged some de-radicalization sessions for me, calling a local Maulana from there, and they were successful at it, and things got like you know clear after that. After that, everything was clear. Like within a month or something, they called me for investigation for 3 days, and after that everything was fine. I continued my college, उस वक्त मेरा 12th था and I got back to studies. I was studying science, pre-medical, that's all. 2015 का मैटर ऐसा कुछ था नहीं that I was going to do something or something like that. दरम्यान प्रजासत्ताक दिनी पुण्यातील एक युवती आत्मघाती हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी माध्यमांनी दिली. या बातमीमुळे माझ्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागल्याचं सादी यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय.